मम्मी आप इतनी परेशान क्यों है? खसरे वाला तो चला गया है। ना पुत्र, हुने तो तू ओनू पजा देता है ना, लेकिन तेरी वड्डी ताई नई नई प्लानिंगा करदी रहंदी मेरे खिलाफ। शी इज डूइंग न्यू न्यू प्लानिंग फॉर मी। अम्मी, या तो आप उर्दू में बात करें या पंजाबी में, ये इंग्लिश का पीछा आप छोड़ दें। आई एम नॉट फॉलोइंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इडियट। अच्छा मामा, ठीक है, चलें, आप आराम से बैठ जाएं। अब ताई अम्मा कुछ नहीं करेंगी आपके खिलाफ। करेगी, जरूर करेगी, बल्कि कर दी रहेगी वो खोचन। पर तू देख ली पुत्र, मैं भी ना हूं खामोश नहीं रहना। आई विल डू आंसरिंग प्लानिंग टर्की बाय टर्की। आंसरिंग प्लानिंग? ओए होए, जवाबी मंसूबा बंदी। आ गई। कौन? ताई अम्मा? और नहीं, तरकीब आ गई। मैं ना फरखंदा बाजी तेरी पुफी नू ना घर बुला लांगी, वो आके रहना भी चाह रही सी। मैं ही बेवकूफ सा के भाभी जी नाल मिलके ना उनू रोक दिता सी। मम्मी, फुप्पो के यहाँ आने से क्या होगा? और सब कुछ हो जाएगा पागला। तेरी फुफी दे अदर आन नाल ना तेरी ताई दी इक नहीं चलनी। और पुत्र वो वड्डी है ना, वो अपनी चलांदी है, तू देख ले। मैं ना तेरी फुफी दे नाल मिल के ना ऐसा करना है ना कि तेरी ताई नू मैं वक्त पा देना। वक्त तू देखी ते सही, फिर पता चलेगा आई सी कोई शबाना इंग्लैंड तो। यकीनन ना ये कचरे वाले को देख के रुक गया होगा। अब जब तक मैं इसकी खुद से खबर नहीं लूंगी ना, ये बाज नहीं आएगा। अम्मा तू नहीं देख रही? आपको इतनी अकल नहीं है क्या? अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो चुपचाप चले जाए, बार बार बेल क्यों बजा रहे? ताकि आप दरवाजा खोल लें। देखिए, तहजीब का तकाजा तो यही कहता है कि अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा खोल के बात की जाए। इतने बुढ़े आदमी की इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे क्या करना जब मैं इसको बुर्का पहना के लोगों से मिलवाऊंगी? ना बाबा ना, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। इंतहाई पगलोल आदमी है ये तो। अरे मोहतरमा, मुझे लगता है कि आपको ना गलत फहमी हो गई है, मैं निमरा का भाई हूँ। मुझे पता है कि आप निमरा के भाई हैं और किताबों के बहाने मुझसे मिलने आए। अरे तो जनाब, फिर आप दरवाजा खोल क्यों नहीं रही? आपने बस दरवाजा खोल के मुझे एक नजर देखना तो है। देख चुकी हूँ मैं आपको, और बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। और आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप दोबारा यहाँ ना आए, प्लीज। और मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दोबारा ना यहाँ आने की कोशिश भी नहीं करिएगा मिस्टर बगलोल। ये रबीका ने ये क्यों कहा कि वो मुझे देख चुकी है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं यूनिवर्सिटी वाला हूँ जो उससे 3 साल सीनियर था। मगर बगलोल, मैं किस शक्ल से बगलोल लगता हूँ? और अगर मैं बगलोल हूँ तो फिर वो कौन था जो उछक उछक के झांक रहा था?